अनमोल उपाध्याय. स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर गोइंग वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपेयरिंग क्वांटिटीज फर्स्ट पार्ट. ओके नाउ इन द कंपेयरिंग क्वांटिटीज सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बेटा दो वीडियो हैं. ठीक है पहले में हमने SIPI बताया था, सॉरी SPCP ये सब बताया था. ठीक है सेकंड वीडियो में हमें क्या बताना है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग इसकी. देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो टाइप के इंटरेस्ट होता क्या है. ठीक है ये सारी चीजें हमें जानना है. तो ध्यान रखिए बहुत पहले मतलब आज से 100 साल 150 साल पहले बैंक वगैरह नहीं होते थे. ठीक है अगर किसी इंसान को जरूरत पड़ती थी तो क्या करता था वो अपने गांव के किसी धनवान आदमी के पास जाता था. ठीक है जमींदार के पास जाता था उससे पैसे लेता था. किस पे ब्याज पर. ठीक है मतलब ऐसा कि अगर मान लो उसने 100 रुपया लिया है जमींदार से उधार. ठीक है तो जमींदार क्या करता था जब वो एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाता था कि अगर आप 100 रुपया जब देने आओगे तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा अगर आप पर्टिकुलर समय तक आ जाते हो तो, नहीं तो ये चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा. ठीक है सपोज करो कि उसने 100 रुपया उधार लिया जमींदार से. जमींदार ने कहा कि 1 महीने बाद आओगे तो 20 रुपए दोगे. ठीक है अब 1 महीने बाद आओगे तो 20 रुपए दोगे तो कहने का मतलब जब पहले महीने बाद जाएगा जमा करने तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 120 रुपए. मान लो पहले महीने नहीं जा पाया दूसरे महीने गया. ठीक है तो उसे 140 रुपए पे करना पड़ेगा. ऐसे 160 रुपए पे करना पड़ेगा. ठीक है ऐसे करना पड़ता. ठीक है तो इसी में दो टाइप के इंटरेस्ट आए. एक इंटरेस्ट ऐसा आया जो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या लगता था उस अमाउंट पे लगता था जो हमने लिया है. ठीक और दूसरा इंटरेस्ट वो लगने लगा जितना पैसा बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट उतना बढ़ता जा रहा है. ठीक है चलिए देखिए सपोज करो आप आज के जमाने में बैंक गए. बैंक ने कहा कि 8% आपने कहा कि ऐसा है कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए. ठीक है बैंक ने कहा ठीक है हम दे तो देंगे लेकिन हम 8% का चार्ज लगाएंगे. ठीक है पर ईयर. ठीक है पर ईयर कहने का सेंस क्या है टाइम दिया गया कि 1 साल में. ठीक है तो ये जो बेटा अमाउंट आपने लिया है बोरो किया है इसे कहा जाता है क्या प्रिंसिपल. ठीक है ये जो परसेंटेज में दिखता है इसको कहा जाता है रेट. और ये पता ही होगा इसे कहा जाता है टाइम. तो जितने भी तुम्हारे पोस्ट ऑफिस बैंक ये सब जो चार्ज लगाते हैं बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट होता है. ठीक है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ऐसा इंटरेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है. ठीक है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पर लगता है उसे कहा जाता है क्या सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ऐसा इंटरेस्ट जो अमाउंट पे लगता है. ऐसा इंटरेस्ट जो अमाउंट पे लगता है उसे क्या कहा जाता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट. हम लोग देखेंगे. देखो अगर आप गए उसके पास तो आपके पास बहुत पहले से फॉर्मूला बताया गया SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. यही बताया गया. प्रिंसिपल कितना बेटा 1000 है. रेट कितना है 8 है. टाइम 1 है अपॉन 100 किया जाता है. ठीक है यानी 1 साल बाद आप जाओगे तो इतना तो आपको पे करना ही करना है साथ में आप इतना रुपए भी पे करोगे. यानी जो इंटरेस्ट आया है वो 80 रुपीज का आ गया है. ठीक है यानी अगली बार आप जब जाओगे तो क्या करोगे 1080 रुपीज उसे पे करोगे. ठीक है लेकिन अगर यही बोलता कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे. ठीक है अब ध्यान से सुनो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर बोल दिया जाता यानी जितने भी जमींदार वगैरह होते हैं बेटा ये सब क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लगाते हैं. ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लगाने का सेंस क्या है बेटा कि हम लोग अमाउंट पे करते हैं. क्या करते हैं हम लोग अमाउंट पे करते हैं. ठीक है यानी सपोज करो कि आपने 1000 रुपया उसे बोरो किया. ठीक है और क्या किया कितना परसेंट पे 8% पे. ठीक है तो 8% हम लोग ऐसा पैसा जो जमींदार वगैरह देते थे तो वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते थे. वो क्या होता था देखो सपोज करो कि 1000 रुपया आपने उसे लिया कितने परसेंट पे बेटा 8% पे लिया ना. ठीक है तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं. ठीक है
फर्स्ट टाइम यानी पहला ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। लेकिन जब सेकेंड ईयर आता है यानी दूसरा साल आता है, तो दूसरे साल में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, जितना पैसा आप लिए हो उस पे इंटरेस्ट लगाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, जो टोटल अमाउंट आया है उस पे इंटरेस्ट लगाता है। बात को समझो, अगर सीआई और एसआई में सिर्फ इतना ही फर्क है, क्या है कि अगर आपने 1000 रुपया किसी जमींदार से उधार लिया या बैंक से 8% पे, ठीक है, साल के अंत में जब जाओगे देने तो उसे आप कितना पे करोगे, 1080। तो पहले साल के लिए सीआई और एसआई तो दोनों सेम आते हैं, फर्क आता है दूसरे साल में, क्योंकि जैसे दूसरा साल आता है तो सीआई क्या है ना, ये उस पे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएगा, इस रुपए पे, ठीक है। और जो एसआई होता है बेटा वो किस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा। जाहिर सी बात है अगर एसआई इस पे लगाएगा तो इसका इंटरेस्ट कम आएगा, और सीआई इस पे लगाएगा तो इंटरेस्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है, सिंपल इंटरेस्ट कम आता है, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, हम लोग बचपन में आप पढ़े भी होंगे, क्या है एसआई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये सिर्फ इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है। सपोज करो जो टाइम दिया गया बेटा, ईयर में दिया गया तो फिर भी ठीक है, मंथ में दे दिया गया, सपोज करो 3 मंथ दे दिया गया तो क्या करोगे, ठीक है, अगर टाइम आपको 3 मंथ में दे दिया गया तो उसको आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, यानी 1 year = 12 months, ठीक है। तो 3 मंथ में कितने ईयर होंगे, 3/12, ठीक है, यानी 1/4 ईयर आएगा। तो टाइम कितना यूज करोगे, 1/4। ये कब होगा, जब आपको टाइम किस में दे दिया जाएगा बेटा, मंथ में दे दिया जाएगा, तो आप उसको ईयर में 12 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलिए ये एसआई था बेटा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा, अमाउंट जो होगा बेटा वो क्या होगा, प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल में जब आप एसआई को जोड़ोगे, ठीक है, तब जाकर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यानी जब आप बैंक को उधार लिए थे जो रुपया, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके ले जाओगे, ठीक है। 1000 रुपया उधार लिए थे, पे करने गए थे तो कितना देकर आए थे, 1080 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है अमाउंट, क्या है, अमाउंट है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेटा सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट इन 1/r/100 power n, ठीक, ये है अमाउंट, ये क्या है बेटा, अमाउंट है, ये है प्रिंसिपल, ये है रेट, और ये है टाइम, क्या है, टाइम, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, जो उसमें था वो इसमें भी है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो है बेटा वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहां पर सीआई नहीं निकलता, डायरेक्ट कोई सीआई का फॉर्मूला नहीं है, यहां पर अमाउंट निकलता है, क्या निकलता है, अमाउंट, यानी डायरेक्ट आपको कितना पे करना है वो यहां पर निकलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर अमाउंट कितना है बेटा, 1000 है, ठीक है, रेट कितना है, 8% है, ठीक है, और टाइम कितना बेटा, सपोज करो 2 ईयर है, ठीक है। तो देखो कितना अमाउंट आता है, अमाउंट नहीं बेटा, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट इन 1/r/100 power n, ठीक है। प्रिंसिपल कितना बेटा, 1000 है, रेट कितना है, 8 है, टाइम कितना है, 2 है, ये पावर में है टाइम, ये तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1000, इसको सॉल्व करोगे तो कट हो जाएगा कितना, 4 से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा, 1/2/25 power 2, ये हो गया। एलसीएम लोगे
तो ये हो जाएगा 25 + 2, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 1027/25, दो बार है ना, पावर 2 है तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 times, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। कट करते हैं इसको बेटा, ठीक है, ये आया, मल्टीप्लाई करिए 1166.4, ठीक है, ये आ रहा है, यानी 1000 रुपये आप क्या लिए थे बेटा, लोन लिए थे, पे करने जा रहे हो तो इतना रुपया आपको पे करना पड़ रहा है, यानी ये प्रिंसिपल था बेटा, इतना तुम उधार लिए थे, इतना पे करने जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा कितना रुपया दे रहे हो, वही बन जाएगा क्या CI, क्या बन जाएगा 1164.4 -1000, तो ये आ जाएगा 164.4 rupees, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या CI, ठीक है। चलो सेम चीज, इतना ध्यान रखो कितना आया CI, 164.4 आया है ना, इसी पे हम थोड़ा SI निकाल के दिखाते हैं आपको, SI देखो बेटा कितना है फॉर्मूला, P 1000 R 8 × 2/100, ठीक है, कट किए तो कितना आ गया बेटा 160, यानी उसको जब पे करने जाओगे अगले साल तो कितना तो करोगे 1160, और उसको कितना पे कर रहे थे 1164.4, यानी दूसरे ही साल में 4 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हो CI में, और ये रहा आपका SI, ये रहा SI और ये रहा CI, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, ये अमाउंट P(1+R/100)n, ठीक है, अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। चलिए अब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जाने से पहले बेटा एक चीज और, कहीं कहीं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखा रहेगा कंपाउंडेड एनुअली, और कहीं कहीं लिखा रहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या होगा बेटा, पहले तो होगा कंपाउंडेड एनुअली, या तो होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या तो होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्वार्टरली तो शायद आप में नहीं है, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली तक तो जरूर है, ठीक है। देखो कंपाउंडेड एनुअली होगा ना बेटा, तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया, हाफ ईयरली का मतलब समझो, सपोज करो मोहन मुझसे पैसा लेता है, उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, मतलब हर 6 महीने को एक साल काउंट कर लेगा, हर 6 महीने को अपना टाइम पीरियड काउंट कर लेगा कि मेरा इतना हो गया। और एनुअली में क्या होगा कि 12 महीने का समय मिलेगा, इसमें क्या है कि 6 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है, जो रेट होता है ना बेटा, रेट वो हो जाता है हाफ, क्या हो जाता है हाफ, रेट आधा कर दिया जाता है, और टाइम जो होता है बेटा वो हो जाता है डबल, क्या हो जाता है डबल। सपोज करो कि एक साल का समय है, उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया, ठीक है, तो एक साल में 2 टर्म बन गए ना, साल तो एक ही था, जब कंपाउंडेड एनुअली था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली ना, तब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो रेट होगा ना बेटा उसको आधा कर देना, और जो टाइम पीरियड होगा उसको डबल कर देना, ठीक है, और फिर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली में क्या होगा बेटा, रेट जो होगा बेटा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और टाइम उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती है। चलिए आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, तो
आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर वन है बेटा। क्या करना है? अमाउंट कैलकुलेट करना है और क्या करना है, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ही हम लोग लेते हैं। क्या है बेटा, ए 10,800, ठीक है, ये दिया गया है फॉर 3 ईयर। टाइम कितना दिया गया बेटा, 3 ईयर दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, 12 whole 1/2% दिया गया है, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली है। बार बार पीछे देख लीजिएगा, कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है, उसी हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है बेटा हमारा क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, ये है हमारा टाइम पीरियड और ये है हमारा रेट। चलेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल कितना है बेटा, 1, रेट कितना है, 12 2 24 + 1 25 / 2 × 100 की पावर n कितना है, यानी 3 है, 100 तो रहता ही है, 25 / 2 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा बेटा 1,800 1 + जरा इसको कट करो बेटा, 25 × 25 = 25 ये आ जाएगा 1 whole 1/8 की पावर 3। कट करके छोटा करते रहिए, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक है। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 की पावर 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9/8, कितना पावर है, 3 है ना, कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है। जरा इसको डिवाइड करिए, ठीक है, डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा इसका, जब आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और भी आगे कैलकुलेट करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,377.34, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके बेटा इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये क्या निकला बेटा, ये हमारा अमाउंट निकला है, क्या निकला है, अमाउंट निकला है। हमको और क्या चाहिए, सीआई चाहिए, हमको इंटरेस्ट चाहिए, हमें पता करना कि हमने कितना ज्यादा रुपए पे किया है। तो देखो, ये तो हमने अमाउंट कर लिया था, पे करने जा रहे हैं तो हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, 15,377.34 माइनस कर दोगे, कितना, 10,800 को जो भी करोगे बेटा वो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया बेटा, जो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, इसका भी आंसर है बेटा कितना, 4577.34, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेके देखते हैं, ठीक है, इसी का, लेकिन हाफ ईयरली रखेंगे, ये एनुअली था तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, जब हाफ ईयरली होगा बेटा तो उसमें चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये चैप्टर बहुत कैलकुलेटिंग है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड रहती है,
अगर मैं वीडियो में कैलकुलेशन करने लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर खुद से कैलकुलेट जरूर किया करिए, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे ना बेटा उतनी अच्छी आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आगे सब कुछ सही होने लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, प्रिंसिपल जो दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 62,500, ठीक है। और क्या है बेटा, रेट दिया गया है 8%, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 1 whole 1/2 year, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। क्या है बेटा, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में मैंने बताया है आपको क्या करना है, रेट सीधे आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट जो है बेटा ये आधा हो जाएगा और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग पहले यही काम कर लेते हैं, रेट को आर बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4% आ जाएगा। टाइम पीरियड को डबल कर लीजिए तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास रेट ये हो गया है और टाइम पीरियड ये हो गया, अब आप इनको नहीं लोगे, ध्यान रखना, अब ये रेट आप नहीं लोगे और ना ये टाइम, अब आपका नया रेट है 4% और टाइम है 3 ईयर, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा 4 है और 3 ईयर। देखो फॉर्मूला सेम, यही फॉर्मूला नहीं चेंज होना, सिर्फ आर और एन चेंज होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था बेटा, 62,500 था ना, ठीक है, और 1 + r कितना हो गया था, 4 हो गया था, और टाइम कितना हो गया था, 3 हो गया था, ठीक है। चलो कट दिया जाए, कितना आ जाएगा, 25। एलसीएम लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 25 + 1 = 26/25 की पावर 3, ठीक है। तीन पावर थी तो कितनी बार लिख दिया गया बेटा, 3 बार लिख दिया गया, ठीक है। कट करोगे 25 को 6 से तो कितनी बार आएगा, 25 5 = 6 इससे भी कट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। फिर कट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 26 × 26 × 26 × 4 करोगे तो आपका आंसर जो है बेटा वो आ जाएगा कितना, 7304, ठीक है, नियरली इतना ही है। बेटा ठीक है, कितना, 70,304 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बेटा आ गया है, ये आया है आपका अमाउंट, क्या आया है, अमाउंट, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। मतलब कितना रुपया तुम पे कर रहे हो, कितना रुपया तुमने बोरो किया था, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, सीआई आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, इसी के ऊपर हमको वर्क करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है, इसको देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं वीडियो में कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आप लोग ही समझ लीजिए। कमला बोरो रुपीज 26,400 फ्रॉम द बैंक, यानी प्रिंसिपल दे दिया गया बेटा कितना है, 26,400, ठीक है। स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%, रेट कितना दे दिया गया बेटा,
रेट दे दिया गया है 15%। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट अमाउंट सी विल पे एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड दिया गया बेटा 2 years 4 months। अब सोचो कंपाउंडेड भी क्या है बेटा, एनुअली है, कंपाउंडेड भी क्या है ईयरली यानी एनुअली है। अब ध्यान से सुनो, एनुअली तो यही फॉर्मूला लगना है ठीक, और टाइम पीरियड कितना है 2 years 4 months, कभी हम मंथ नहीं लेते, हमें ईयर ही लेना है ठीक। तो इस एन की जगह क्या रखोगे, कैसे रखोगे सोचो, एन को हमें रखना है क्योंकि एन पावर में है ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी होगा, 2 years 4 months है, अगर इसको तुम ईयर में भी चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 2 whole ही, कितना 4/12 यानी 1/3 ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 7/3। अब 7/3 पावर में रहेगा तो कर तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2 साल का निकालेंगे, क्या करेंगे 2 साल का निकालेंगे ठीक, 2 साल का निकाल लेंगे, जितना आएगा उसी पे अगला 4 महीने का निकाल लेंगे ठीक है। 1 साल के अंदर ध्यान से समझिए, 1 साल के अंदर CI और SI दोनों बराबर होते हैं, पहले साल के लिए CI जो होता है बेटा वो SI के बराबर आता है ठीक है। तो 4 मंथ के लिए जब निकालना होगा तो हम SI वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 साल का तो हमने निकाल लिया, बचा 4 महीना है तो 4 महीने का हम निकाल ही लेंगे कोई भी फॉर्मूले से ठीक है। चलो देखो पी कितना है बेटा, फॉर्मूला यही है, पी है बेटा 26,400, रेट कितना है 15 है, टाइम हम 2 मानेंगे, अभी 4 मंथ को रखे हैं, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले 2 ईयर ठीक है। चलो इसको काटा जाए, जरा इसको कैलकुलेट करो, देखो एलसीएम लोगे तो आएगा बेटा 23/20 है ना, तो कितना आएगा 23/20 ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए ठीक है, बचा हुआ कितना है 264 है ना, 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, सॉरी 66 हो जाएगा ठीक है, 2 6 12 और 2 6 12 66 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा 23 × 23 का कितना होता 570 × 3 = 9 ठीक है, इसका स्क्वायर होता है कितना बेटा 2 570 ठीक है, इसको कैलकुलेट करो बेटा आएगा 34,914 ठीक है, 34,914 आएगा ठीक है। चलिए ये 2 साल में मेरा बेटा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है ठीक है। अब जो अगला 4 महीने का हम निकालने जाएंगे ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मतलब जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा इसके लिए वो ये बनेगा ना कि ये बनेगा, बात को समझो, हमें अब अगले 4 मंथ के लिए निकालना है ना बेटा, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि हम CI निकाल रहे हैं ठीक है। अगर SI निकालते तो हमारा प्रिंसिपल यही बनता, लेकिन हम CI निकाल रहे हैं, अब हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा, ये बनेगा, और फॉर्मूला यही लगाओगे, 1 साल के अंदर CI PI दोनों बराबर होते हैं तो फॉर्मूला कोई भी लगाओ ठीक है, 4 मंथ है तो एक बेटर फॉर्मूला होगा ठीक है। कितना है 34,914, आर कितना है बेटा, आर है 15, टाइम है 4 मंथ, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 4/12 यानी 1/3, और मल्टीप्लाइड बाई 100 ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
174.5 ठीक है, ये आया बेटा SI, और इसी SI को इसी में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल में SI को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा ये SI का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला नहीं है, आपसे अमाउंट पूछा गया है ठीक है। तो जब आप इसको इसमें ऐड कर दोगे इसको इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा यानी 34,914 में क्या कर दोगे 174.5 को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 36,659। कितना होगा 36,659.70 ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा कैलकुलेशन करोगे तभी आप हो पाएगा ठीक है, वरना एग्जाम में उलझे रह जाओगे, और ये सब क्वेश्चन टाइम लेते हैं ठीक है। कैलकुलेशन में हम वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं कर सकते ठीक है। चलिए तो समझ आया बेटा क्या करोगे जब आपका टाइम पीरियड फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा, रेट में रेट जो है बेटा फ्रैक्शनल दे दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम फ्रैक्शनल दे दिया गया तो दिक्कत होती है। उसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि जो भी ईयर दिया गया है उसको एक साथ कैलकुलेट कर लो, और जो भी मंथ दिया गया उसको SI का फॉर्मूला लगाकर फिर से कर लीजिए और ऐड कर दीजिए ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 12 वाला देखिए, 12वां क्वेश्चन, ये आपका प्रिंसिपल दिया गया बेटा, एक स्कूटर है जो कि 42,000 रुपए का है यानी 42,000 का है ठीक है। रेट दिया गया है कितना 8% ठीक है, और टाइम दिया गया बेटा 1 ईयर। लेकिन क्वेश्चन ये है द स्कूटर वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 42,000, द वैल्यू डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट वर्ड होने का मतलब बेटा कम होती है, जाहिर सी बात है कोई सामान खरीद के लाते हो तो धीरे धीरे उसकी प्राइस घट जाती है, तो प्राइस घट रही है इस रेट से ठीक है। तो बताओ कि कितना रुपया हो जाएगा एक साल बाद ठीक है, हम लोग इसी फॉर्मूले से जाएंगे ठीक है। अमाउंट कितना है, ये प्रिंसिपल और 42,000, 1+R कितना है 100 और टाइम है 1 ठीक है। यहाँ प्लस नहीं होगा बेटा, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि दाम घट रहा है ना, अगर बढ़ता तो प्लस होता, दाम घट रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट करोगे तो ये हो जाएगा ठीक है 42,000। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना 25-2 23, दो बार है तो 23/25 ठीक है। चलिए काटा जाए इसको, पाइप से कट करते हैं ठीक है। चलिए आगे इसको मल्टीप्लाई करिएगा जहां तक हो सका मैंने किया ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 38,640, यानी जो 42,000 रुपए का खरीदा था बेटा वो इसका दाम घटकर कितना हो गया 38,640 हो गया है ठीक है। तो कहने का मतलब कि देखिए प्राइस कैसे डिक्रीज कर रही है ठीक है, ये भी हम लोग किससे निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बेटा, यही फॉर्मूले से आपका पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली होगा तो क्या करोगे रेट को आधा करोगे और टाइम को डबल कर दोगे ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, डाउट सेशन में हम आएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, इवन क्लास वर्क भी जाता है तो इससे ज्यादा ही क्वेश्चन उसमें करेंगे ठीक है।
आपका क्वेश्चन कुछ भी छूटेगा नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना जान लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेटिंग होता है बेटा, नो डाउट कैलकुलेशन टफ भी होती है, ठीक है, और कैलकुलेशन गलत भी होने के कई चांसेस होते हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा, कोई गलत हो गया तो कहोगे सर गलत कर दिए, ठीक है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो, ठीक है। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। बाय बाय।